नमस्कार, सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आपके आप लोग देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल खबरों के साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत इष्ट मित्रों का, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का, सभी का आभार जो कि अपना अमूल्य समय दे करके खबरों को आप देखते हैं, लाइक और कमेंट और शेयर करके अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचाते हैं। और यही आशा ही नहीं, उम्मीद पूरी पूर्णतः विश्वास है कि आप लोग इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे तो मेरा भी प्रयास होगा आप तक छोटी बड़ी खबरें पहुंचाने का। खबरों को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, सभी ग्रुपों व्हाट्सएप पे अपने फेसबुक के माध्यम से अपने इष्ट मित्रों तक पहुँचाएँ, ये हमारा निवेदन है, ताकि खबर दूर तक जाए, लोगों तक जानकारी हो। और एक निवेदन और है कि अभी तक जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल को खुद सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों से सब्सक्राइब करवाएं और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको बता दें कि ये जो चित्र देख रहे हैं एक ही परिवार के हैं और थाना थान गांव इलाके के ग्राम देवरिया गांव की हैं तस्वीरें, जो कि आज भी लोग एक कुंठा का शिकार हैं और उनका शोषण किया जाता है। आपको बता दें कि ये थाना थान गांव के ग्राम देवरिया के निवासी हैं राजेंद्र, और ये इनका परिवार है, इनकी पत्नी है, इनकी लड़की है और दो लड़के इनके किशोर अवस्था में जो साथ में नहीं ला पाए। इनके राजेंद्र और ज्ञानी ये दोनों सगे भाई हैं आपसी, लेकिन ज्ञानी काफ़ी ज़बरदस्त हैं और कई परिवार से समरस्त हैं, जो कि इन पे आए दिन अपना कहर बरपाते हैं और आए दिन प्रताड़ित करते हैं। ऐसा ही मामला इसी के संबंध में बुधवार को ज्ञानी के पुत्रों ने काफ़ी इन लोगों पर अपना कहर बरपाया और बारी बारी से इनको इनकी धुनाई कर दी, जिससे कि सूचना पीड़ितों के द्वारा थाने में दी गई और थाने की पुलिस द्वारा इनका मेडिकल रिकॉर्ड कराया जा रहा है और कार्रवाई करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि पीड़ित ने बताया कि बस कसूर इतना था पीड़ित का कि गांव में नल सरकारी हैंडपैप राम गुलाम के दरवाजे पर लगा हुआ है, जहां पर ज्ञानी की पत्नी पहले से स्नान कर रही थी, उसके बाद अपने कपड़े बदल रही थी। इसी बीच ज्ञानी की पुत्री राजेंद्र की पुत्री सुमिरता देवी अपने घर में नल पर चौकी न होने के कारण कपड़े छाटने अट गई और कपड़े छाटते वक्त कपड़े की छींटें उस ज्ञानी की पत्नी पर पड़ गई, जिससे कि वो आग बबूला होकर अब शब्दों का अनेकों से बेइज्जत किया और मारपीट पर आमादा हो गई और बार पकड़ लिया। इसी बीच सुमिरता की माँ वहाँ पर दौड़ी तो उनको और उसके बच्चे भी दौड़े बचाने के लिए सुमिरता को, जहाँ पर वो अपने को अकेला देख और ज्ञानी के अन्य पुत्र कुलेराज, शिवा और शिवम, सुपूजन आदि लोग जाकर चोटी पकड़कर अपनी चचेरी बहन सुमिरता और चाची और दो अपने चचेरे बहनों भाइयों की जमकर धुनाई कर दी, जिससे कि ये परिवार काफ़ी आहत है और परेशान है। आए दिन इनको प्रताड़ित किया जाता है, जैसा कि पीड़ित के द्वारा बताया गया। आपको बता दें कि पीड़ित राजेंद्र का कहना है कि वो काफ़ी हैसियत वाले हैं और पहुंच वाले हैं, परिवार से मजबूत हैं, लड़के बच्चे उनके बहुत ही सयाने हैं और अपने हम दोनों सगे भाई हैं और पिता को ये अपने पास रखते नहीं हैं, क्योंकि पिता को प्रताड़ित करते हैं तो पिता उनके पास रहना नहीं पसंद करते हैं, इस वजह से वो हमारे पास रहते हैं, जिससे कि उनको शंका है कि हो सकता है ज़मीन इन्हीं को न दे दें। हालांकि राजेंद्र का कहना है कि हमारे पिता हैं, हम सेवा करेंगे, ज़मीन हमको भले ही न दें
लेकिन मैं सेवा करूंगा। और वो ज़मीन अभी किसी को दिया भी नहीं है, जबकि दोनों का बराबर हक है और हमारे दिल में कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्षोभ नहीं, लेकिन इसी पर्पस से वो दुश्मनी मानते हैं, जिससे कि आए दिन प्रताड़ित करते हैं, ये कहना पीड़ित का है। वहीं पर थाना प्रभारी का बाबत जब बात की गई तो बताया कि एक पक्ष पीड़ित आया है, जिसका मेडिकल लीगल करा कर कार्रवाई की जा रही है, और अगर दूसरा पक्ष भी आता है तो उसकी भी जांच कर कार्रवाई दोनों पर की जा जाएगी। आप लोग हमारी खबरों के नीचे डिस्क्रिप्शन में खबर भी लिखी होती है, आप लोग उसको भी पढ़ना ना भूलें वीडियो के साथ साथ, और वीडियो पूरी देखें। परिवार काफ़ी आहत है और अक्सर ये समाज में देखा गया है कि जो समरस्त लोग होते हैं वो अपने ही निचले स्तर का शोषण करते हैं, वो चाहे जिस बिरादरी का हो, और उसी का ये परिवार अपने भाई का शिकार हुआ है और काफ़ी लात घूसों से धुनाई की गई है। और सबसे अहम और शर्म की बात यह है कि ये सुमिरता कुलेराज और सुपूजन आदि लोगों की बहन लगती है और इसकी चाची लगती हैं रिश्ते में, और दो इसके चचेरे भाई और बहन और चाची हैं। जब हद तो उस वक्त हो गई जब ये चोटी पकड़कर घसीट घसीट कर पीड़ित के द्वारा बताया गया कि काफ़ी बेइज्जत कर मारा पीटा गया। ये हालात हैं, ऐसे आज भी लोग शोषण करते हैं। यहाँ पर एक जुमला सटीक बैठता है चौपाई की, समर्थ नहीं दोष गोसाई, क्योंकि समर्थ लोगों की कोई दोष नहीं देखता है, और यहाँ तक कि इनके साथ में इनकी मदद को जो यहाँ रेवसा शेषी तक लाया था, एक परिवार का ही है, उसने सच्चाई के आगे मुंह खोलने से बात कहने से गुरेज किया, लेकिन उसके कहने से जो इशारा लग रहा था कि वो काफ़ी दबंग है और काफ़ी प्रताड़ित करते हैं, उसका कहना यहाँ तक थी कि वो काफ़ी परिवार पे हावी रहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने बारी बारी से पीड़ितों के बयान सुना, और काफ़ी इन पीड़ितों के हिसाब से मामला ये था कि एक नल पे, एक ही सरकारी नल पे पानी लेने गई थी और ये कपड़ा छाट रही थी पीड़िता सुमिरता देवी, और वो पानी लेने गई और अचानक उस कपड़े की छिट्टी पड़ गई, और छिट्टी पड़ने से वो आग बबूला होकर, इनके सगे परिवार का मामला है, बड़े भाइयों के लड़कों ने बेरहमी से चोटी पकड़ से कर बारी बारी से लोगों को पीटा है, और मामला थाना थानगांव के ग्राम देवरिया का है। 18 सितंबर 2019 की घटना है, और पुलिस को सूचना दे दी गई, पुलिस दोनों का, इन पीड़ितों का मेडिकल लेवल कराकर कार्रवाई की बात कर रही है।